हे ओके गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले टीम रॉकेट के बारे में। टीम रॉकेट जो इनोवा में है, मतलब अभी जो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, उसमें जो टीम रॉकेट है उनके बहुत से सीक्रेट्स बारे में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो इतने कूल प्रो कैसे हो गए। इतने ज़्यादा प्रो तो वो कभी नहीं थे ना, पिकाचू के पीछे वो ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो हाँ, आज मैं उन सब का आंसर तुम्हें दूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर भी दूंगा। तो हाँ, वीडियो तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया और आज इतनी देर में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी गाइस 7:30 बज रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्यूशन खत्म हुआ। गाइस बहुत सारी प्यास लग रही है, मैं पानी भी कहता हूँ, तब तक इंट्रो लगाते हैं। ठीक है, अब मैं तो पानी भी गया गया, लेकिन तुम लोगों को बहुत सी नॉलेज की चीज़ें देना बाकी है, पोकेमॉन से रिलेटेड, स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ भी नहीं दे दूंगा। तो ठीक है, टीम रॉकेट जो कि यूनोवा में बहुत ज़्यादा ओपी प्रो इपिक जितना मेरे को कम पड़ जाएगा और सीनियर तक तो वो कहीं से मेरे दोस्त जो पोकेमॉन देखते हैं वो बोलते थे कि कहीं 3 गधे आ गए, लेकिन यूनोवा में तो वो 3 गधे बोल ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो हाँ, तुम बता सकते हो कि तो पोकेमॉन में जो यूनोवा में एक टीम रॉकेट इंट्रोड्यूस हुई है वो सीनियर से बहुत ज़्यादा इनहेंस है। बहुत से लोग बोलेंगे कि उन्होंने पिकाचू से सिखाया है, तो गाइस बिल्कुल नहीं। अगर बात करें टीम रॉकेट यूनोवा टीम रॉकेट की, तो सबसे पहली बात उनका आउटफिट चेंज हो गया है। तो नॉर्मल टीम रॉकेट ब्लैक आउटफिट पहनती है, वो लोग जेसी जेम्स और मियाँ तो कुछ नहीं पहनता, जेसी जेम्स वही आउटफिट पहन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग का मिशन जो है पिकाचू को पकड़ना, अब वो प्राइमरी मिशन, वो तो प्राइमरी मिशन है लेकिन वो इतना मेन मिशन नहीं है। तुम लोग बोले कैसे? ठीक है, यूनोवा के सारे पोकेमॉन पकड़ना उनका तीसरा मिशन है। दूसरा मिशन है कि यूनोवा ने, मतलब रैंक कर रहा हूँ, दूसरा मिशन है कि यूनोवा नहीं पिकाचू को पकड़ना। पहला मिशन है कि यूनोवा में छुपी टीम का पता लगाना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस टीम की, का नाम शायद से टीम प्लाज्मा था। टीम प्लाज्मा का पता लगाना, जो कि जियो वानी चाहता था और वो टीम रॉकेट्स वहीं कर पा रहा है। लेकिन आगे चल के तुम लोग देखोगे कि वो अपना ब्लैक आउटफिट मतलब हार्ड में फेंक देते हैं और नया आउटफिट मतलब पुराना वाइट वाला आउटफिट पहनते हैं। और इसी तरह से जियो वानी जो है, मेन रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो जियो वानी है वो टीम रॉकेट से ये चाहता है कि वो लोग जो है यूनोवा में छुपी टीम प्लाज्मा, सीजन 14 तक टीम प्लाज्मा इंट्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए उसे एक छुपी टीम बोला जाता था। जो टीम छुपी हुई है उसका पता लगाना, ताकि उन्हें भी पता चले कि टीम रॉकेट कितनी पावरफुल है। तो ये मेन रीज़न था कि वो लोग जो है इतने कूल लग रहे थे और उन्हें इतने अच्छे अच्छे मिशन मिल रहे थे। लेकिन टीम प्लाज्मा के आने के बाद सब खत्म सा ही हो गया था उनके लिए। एक्स वाई में तुमने देखा है कि टीम रॉकेट कितनी गंदी तरीके से फिट रही है, एक्स वाई तुमने देखा है ना? अरे तुम लोग देखा होगा, तुमसे 90% जितने भी व्यूज आते हैं उनमें से लोगों ने एक्स वाई देखा ही होगा। और हाँ, तुम लोग पता है मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था ब्लैक एंड व्हाइट के रिलेटेड, उसने तो मतलब तबाही मचा दी, 140+ व्यूज उसमें चले गए और वीडियोज़ में अभी तक से मैक्स टू मैक्स 150 व्यूज जा पा रहे हैं। तो हाँ, ये एक रीज़न था कि टीम रॉकेट जो है इतनी ज़्यादा कूल और प्रो हो गई थी। तो यही एक रीज़न है कि वो जितने से प्रो थे। तो हाँ, वीडियो में बस इतना है, लेकिन तुम्हें पता है ना, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो सके और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से कम दिनों में ही हम 1000 व्यूज़ क्रॉस करने वाले। तो 1000 व्यूज़ पे 50 सब्सक्राइबर्स तो बनता ही है ना, तो यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पोकेमॉन फैंस साइनिंग आउट। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।